अस्सलाम एवरीवन माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एपिसोड ऑफ कैंडिड विद वाई वाई आज के एपिसोड के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक ने मुझे बड़ा इंट्री किया कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बातों बातों के अंदर उसने मुझसे कुछ ऐसी बात छेड़ दी जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि यार शायद हम सबका पर्सपेक्टिव ऐसे टाइप के इदारों के बारे में ज़रूरी नहीं है बल्कि मैं ये भी एहसास कर पाया कि शायद फाइनेंस के लोगों का आजकल के ज़माने के अंदर जो एक क्लोज पर्सपेक्टिव बन गया है कि उन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट इधारों के अंदर काम करना है मल्टा नेशनल कंपनीज़ या मल्टा नेशनल ऑडिट फर्म्स के अंदर काम करना है शायद हमारा रोल अब यही रह गया है कि हम बड़े बड़े इदारों के ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट जाके बने उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर you know, के ऊपर भी फोकस करें शायद हमारी जो जर्नी है अकाउंटेंसी की शायद गालिबन स्टार्ट ही यहां से हुई होगी टॉपिक उसने मेरे सामने जो छेड़ दिया बातों बातों के अंदर वो टॉपिक उसने मुझसे छेड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का समझते हैं ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो अब ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनकी बात हम जब करना स्टार्ट करते हैं इनके बारे में सुनते हैं सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर सबसे पहले सामने आता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे इदारे देखे जो कि पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे मिसाल के तौर पे कोई अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से कोई एक यू uh, नो you know, एक कोई एक स्टूडेंट हो एक कोई बच्चा हो तो उसको उस काबिल बनाना कि वो प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ कंपीट कर सके बाकी सोसाइटी के साथ कंपीट कर सके ये एक बहुत नोबल कॉज है ये एक बहुत नोबल यू नो एक्ट है जिसको हम सबको इनकरेज करना चाहिए और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर इनक्रेज किया बल्कि एज़ फार एज़ द इस्लामिक रिलीजन इज़ कंसर्न तो हमने तो यहाँ पे देखा भी है पढ़ा भी है और किया भी है और एक्सपेरिमेंट भी किया है कि हम जितना ज़्यादा सदका देते हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो कि शायद अल्लाह की तरफ़ से अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से रह गए हैं जब आप उनको सपोर्ट करते हैं तो जो, जो आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी अपनी सेहत के अंदर आपकी अपनी अपेरेंस के अंदर आपके अपने विजन के अंदर जो तब्दीली आती है वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा यू नो आउटस्टैंडिंग होती है इफेक्ट आता है उसका आपके अपनी ज़िंदगी के ऊपर और आपके अपने जिंदगी के को लेकर परसेप्शन के ऊपर तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात होती चली थी लेकिन फिर उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरे सामने कुछ ऐसे यू नो फीचर्स आए ऐसे फैक्टर्स आए कि मैं इस बात को डिस्कस करने के लिए कंपेल हो गया अब आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ना वो मैं पोटेंशियल फ्रॉड्स या पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज विच

तो हम सबसे पहले थोड़ी सी अपनी बेसिक्स डेवलप कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है ताकि आप आने वाले सेशन को आप आने वाली बातों को थोड़ा सही तरीके से समझ पाए देखिए किसी भी डिस्क्रिपेंसी की ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं एंड मोर स्पेसिफिकली वेन यू टॉक अबाउट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो कम से कम तीन टाइप की ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हमको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए पहली तो एक्टिविटी है थेफ्ट की थेफ्ट क्या है थेफ्ट थेफ्ट इज लाइक यू नो व्हेन यू परमानेंटली डिपराइव समवन ऑफ समथिंग थेफ्ट क्या है कि आपने कोई ऐसी चोरी करी आपने कोई ऐसा सामने वाले को लॉस पहुंचाया जिस लॉस की वजह से सामने वाला उस एसेट से या उस रिसोर्स से कंप्लीटली डिपराइव हो जाता है वो उस चीज को खो देता है अच्छा जो थेफ्ट है ना वो थेफ्ट रिलेटिवली अपेरेंट होता है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक जगह पर वॉलेट पड़ा हो और कोई मेरा वॉलेट ही उठा के ले जाए तो अगर कोई मेरा वॉलेट ही उठा के ले जाएगा ना तो वो मेरे सामने अपेरेंट हो जाएगा बिकॉज आई हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दैट रिसोर्स तो मुझे फ़ौर ट्रिगर हो जाएगा फ़ौर पता लग जाएगा यानी मैं एज एन अवामनाज़ को फ़ौर पता लग जाएगा कि यार ये कुछ गलत हो गया है ये क्योंकि इतना अपेरेंट होता है तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ये एक एकस यू नो लेस प्रोबेबल एक्ट होगा किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि ये पेरेंट है तो सब लोगों के सामने फॉरन आ जाएगा और शायद फिर उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के डोनर्स पीछे हट जाएंगे या इट विल कॉल फॉर अ लीगल एक्शन इट विल कॉल फॉर अमिनल एक्शन इसमें पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी तो जनरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थेफ्ट होना शायद इतना प्रॉबेबल नहीं है लेकिन थेफ्ट की ही जैसी एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलेंगे फ्रॉड ना फ्रॉड इज बेसिकली अ डिसऑनेस्ट एक्टिविटी एनी एक्टिविटी इट कैन बी अ फॉल्स रिप्रजेंटेशन एज़ वेल जहाँ पर आप सामने वाले को किसी चीज़ से कम्प्लीटली डिप्राइव नहीं करते बल्कि शायद बहुत सारे लोग तो इसको मानते हैं कि ये एक विक्टमलेस क्राइम है यानी ये ऐसी बात है कि मिसाल के तौर पर मेरा एक वॉलेट पड़ा हुआ हो और उस वालेट के अंदर खूब सारी रकम पड़ी हो तो अगर कोई मेरा पूरा वॉलेट ही उठा के ले जाता तो ये तो अपेरेंट हो जाता लेकिन किसी ने मेरी बहुत सारी रकम में से कुछ रकम निकाल ली और बोला बस यही रकम आपके वॉलेट के अंदर पड़ी थी तो अब क्या हुआ कि जब बहुत सारी रकम में से थोड़ी सी रकम निकाली गई है तो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट अबाउट एन पर्टिकुलर एक्टिविटी आपने थोड़ी सी ऐसी स्किमिंग की कि मेरी जिंदगी के ऊपर भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा और आपको आपका बेनिफिट भी मिल गया ये है ये है परसेप्शन लोगों की कि ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है इट इज़ अ विक्टम लेस क्राइम यानी इतने पैसे का चोरी करना कि मेरी सेहत पे भी बहुत ज्यादा असर ना पड़े और आपका भी काम हो जाए लोग कहते हैं कि भाई ये विक्टमलेस क्राइम है इससे किसी की जिंदगी के ऊपर कोई बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन क्या ये क्राइम है ये बिल्कुल क्राइम है क्या ये गुना है ये बिल्कुल गुना है तो अक्सर लोग ऐसा होता है ना यानी यहाँ तक के बात है कि कुछ लोग जो है जैसे कंपनी के फोटोकॉपी मशीन से आप बहुत सारी फोटोकॉपी निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाए तो आप ये बोलेंगे यार कंपनी की फोटोकॉपी मशीन से चंद पेपर इस्तेमाल कर लिए या थोड़ी सी इंक इस्तेमाल कर ली तो बहुत बड़ा फर्क थोड़ी पड़ा कोई को लेकिन क्या ये फ्रॉड है ये भी एक डिसऑनेस्ट एक्टिविटी है ये भी एक फ्रॉड है अच्छा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्योंकि थेफ्ट पकड़ा जाएगा और फ्रॉड पकड़ने से इदारे को इतना बड़ा मटेरियल नुकसान नहीं पहुंचता कि इदारा ही बंद हो जाए तो जनरली ये फ्रॉड जो होते हैं ऐसे डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ ऐसे स्किमिंग एक्टिविटीज़ थोड़े थोड़े पैसे चोरी करना थोड़ी थोड़ी रिसोर्सेज को चोरी करना एक एक समझ लो एक गोदाम है जहाँ पे बहुत सारे आटे की बोरियाँ पड़ी हैं आपने कुछ आटा अपने घर ले गए पर्सनल यूज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेना क्योंकि ये एक्ट इतना अपेरेंट नहीं होता तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत हद तक पनपता रहता है बहुत हद तक पनपता रहता है और कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के चंद ऐसे लोग जिसके अंदर फॉर एग्जांपल उस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज भी शामिल हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने रखवाले भी शामिल हो सकते हैं तो जब यह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कॉमन हो जाता है या बहुत साफ सफाई से यह एक्ट होता चला जाता है तो यकीन करें कि इस फ्रॉड वाली एक्टिविटी से एक और एक्टिविटी जन्म ले जाती है और वो जन्म ले जाती है मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी अब ये एक और एक्सट्रीम है तो थेफ्ट एक एक्सट्रीम था और एक मनी लॉन्ड्रिंग एक और एक्सट्रीम है मनी लॉन्ड्रिंग यू नो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपका इदारा आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन मनी को लेजिट मनी के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर हेल्प कर रही होती है मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या है लॉन्डर करना गलत पैसे को सही पैसे के अंदर जैसे एक, एक गंदा कपड़ा होता है ना आप गंदे कपड़े को लॉन्ड्री से गुजारते हैं तो वो गंदरा कपड़ा धुल धुलाने के बाद कुछ प्रोसेस वॉशिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद साफ सुथरा कपड़ा बनके आपके सामने आ जाता है और फिर किसी को पता भी नहीं लगता कि यार ये शर्ट गंदी हो गई थी इस पर कोई दाग लग गया था है? तो सर्फ एक्सल सारे के सारे दागों को धो देता है तो इसी तरह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर पे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर फ्रॉड्स पनपते रहते हैं और फ्रॉड्स हो हो के हो हो के हो हो के इतने कॉमन हो जाते हैं कि वो किसी की नज़र में नहीं आ रहे होते या वो वो उस काम के अंदर ट्रस्टीज या उस उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग इतने एक्सपर्ट हो गए होते हैं मनी स्किम करने के अंदर तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है ब्लैक मनी रिश्वत का पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा किसी बाहिर तौर के ऊपर किसी ऐसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा जिसमें लोगों का पब्लिक ट्रस्ट होगा जिसके अंदर लोगों की वाह होगी जिसके अंदर लोगों लोग आपको तईद कर रहे होंगे जिसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर आपका नाम चल रहा होगा जिसके अंदर आप रमजानों के अंदर लोगों को खाना खिला रहे होंगे जिसके अंदर यू नो बकर के पास आप लोगों के लिए कुर्बानी करा रहे होंगे जिसके अंदर फेम बहुत इन्वॉल्व होगा और इस सारे प्रोसेस के अंदर इलेजिट मनी लेजिट मनी बनके बाहर आ रहा होगा तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग तो ऐसे जितने भी अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं ना वो ऐसे इदारों को ढूंढते रहते हैं कि जिन इदारों की जिन इदारों की इमेज यू नो बहुत ज्यादा पब्लिक आई के अंदर पॉपुलर है पब्लिक आई उनको बहुत सराते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज इन इदारों के साथ ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो लोग आज से पहले चंद चिंदी चोरी में इन्वॉल्व होते थे और अब वो बड़े स्केल के अंदर मनी को लॉन्डर करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इदारे के अंदर खुर्द बुरद होने के जो कि आपको अपने दिमाग के अंदर क्लैरिफाई करना जरूरी है थेफ्ट होगा फ्रॉड होगा और मनी लॉन्ड्रिंग होगा थ्रेफ्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि अपेरेंट है जनरली पकड़ी जाती है तो लोग करते नहीं है फ्रॉड इज जस्ट लाइक स्किमिंग आउट सम मनी ऐसे तरीके से पैसे की खुर्द बुर्द करना कि सामने वाले को इतना बड़ा नुकसान ना हो रहा हो कि वो काम अपेरेंट हो जाए और जिस इदारे के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा पनप रहा होगा उस इदारे के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क आ जाना यानी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का आ जाना जो कि आपके इदारे को इस्तेमाल करते हुए आपके ट्रस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी डर्टी मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे ऐसी चीज का पनप जाना क्लियर होती है बात ये तो ऐसी चीज भी आ सकती है चैरिटेबल में अब बात ये शुरू करते हैं कि यार सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा और ये सवाल मैंने अपने उस स्टूडेंट से भी किया मैंने सवाल बेसिकली उससे ये किया कि यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सारा काम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा होगा और अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा होगा तो इसमें फाइनेंस का परस्पेक्टिव किधर आता है तो उसमें सबसे पहली बात तो उसने मुझे यही समझाई कि सर देखिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना पब्लिक का ट्रस्ट होता है यानी इमेज ऐसी क्रिएट हो गई होती है कि लोग ये बोल रहे होते हैं कि यार ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसे बहुत सारे इदारे हैं कि जिनके बारे में पब्लिक का ट्रस्ट ऐसा है कि लोग सोच ही नहीं सकते कि इस इदारे में कुछ गलत हो रहा होगा अब इसके मिसाल ऐसे ले लें नॉट नेमिंग एनी वन नॉट पॉइंटिंग एनी वन लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी एक इदारे के अंदर पानी फरहम किया जा रहा हो या किसी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंसर का इलाज हो रहा हो या किसी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा हो तो यार ये ऐसा सॉफ्ट टॉपिक है जो कि पब्लिक की आय में एक इतना नोबल काम होता है कि लोग ऐसे इदारे से सोच ही नहीं सकते कि ऐसे इदारे के अंदर ऐसा कुछ खुर्दबुद हो रहा होगा तो पब्लिक इमेज और पब्लिक का ट्रस्ट इस इदारे में बहुत ज्यादा होता है और जहां पे लोग आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं वहां पे खुर्द करना आसान होता है क्योंकि लोग यू नो सप्टेबल नहीं होते आपकी इस एक्टिविटी के बारे में फिर इस इदारे में किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क और ज्यादा क्यों है बिकॉज देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ फाइनेंस कंट्रोल फाइनेंस का स्टाफ होता नहीं है ऑडिट का स्टाफ होता नहीं है ज्यादातर जो डोनर से जो प्रोसीड रही होती हैं वो कैश बेस्ड होती हैं तो जब कैश बेस्ड होती हैं तो ना कोई बैंक रिकनसिलेशन का मैकेनिज्म होगा ना अच्छा एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ही फ्रॉड होता चला जाएगा बिकॉज अक्सर डोनर ये चाहता है डोनर खुद ये चाहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना तो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को किस डोनर ने फंड दिया वो डिस्क्लोज होना चाहता नहीं है और ना तो वो खुद डिस्क्लोज होना चाहता है ना वो ये चाहता है कि उसने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो कभी डिस्क्लोज हो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना रिसीट्स के आने का वहीं से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थ्रू विलिंगनेस क्रिएट हो जाती है डोनर कह रहे हैं भाई मैंने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया ये किसी को ना बताना फिर अक्सर क्या होता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रन करने वाले लोग होते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं और ट्रस्टीज ही अक्सर कुछ खुद बुर्द का शिकार होते हैं अब अगर किसी इदारे का ट्रस्टी कोई ऐसा काम कर रहा हो जो कि यू नो अपेरेंटली इतना इतना लेस ऑब्वियस हो इतना इत, इतना केयरफुली किया जा रहा हो तो ट्रस्टी के ऊपर शक अक्सर कम जाता है क्योंकि अक, ट्रस्टी ट्रस्टी अक्सर कोई इतना नोबेल इंसान दिखने के अंदर होगा कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये काम ये आदमी कर सकता है तो अगेन पब्लिक ट्रस्ट की बात आ जाती है यहाँ पर तो अक्सर हम ये देखते हैं कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल होना लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म और एक्सटर्नल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होना उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एक जरिया बना देता है खुर्द बुर्द का अब सर आपके दिमाग में ये बातें सारी तो आप कर रहे हैं लेकिन सर कैसा खुर्द बुर्द मतलब खुर्द बुर्द हो रहा है आप कह रहे हैं खुर्द बुर्द हो रहा होगा हो तो कैसा खुर्द बुर्द हो रहा होगा और ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जो कि नजर आ जाते हैं अक्सर खुर्द जो होता है ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है थ्रू ट्रस्टीज देम सर ये कैसा खुर्द बुर्द होगा अच्छा खुर्द कभी कभार अन इंटेंशनली भी हो रहा होता है मिसाल के तौर पे एक एक कोई कोई अंकल या आंटी है कोई साहब है उन्होंने एक ट्रस्ट फॉर्म किया उन्होंने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी और उनका इरादा ये था कि हम लोगों को फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड करेंगे लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उनको पाइथन की कोडिंग करवा दिया करेंगे उनको फॉर से अकाउंटेंसी की नॉलेज दिलवा दिया करेंगे उनको ऐसी स्किल दिलवाएंगे जिससे वो अपना करियर बना सकें जिससे वो अपना यू नो एंड मीट कर सकें अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा काम करती नहीं होगी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करती होगी, अक्सर हम पढ़ते हैं ना कि चैरिटेबल को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करनी होती है, स्कूलिंग ऑफ मे बी फाइव थाउजेंड चिल्ड्रेन बट इफ यू आर डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ टीचिंग टेन थाउजेंड स्टूडेंट यू नो आप डोनर से दस हजार बच्चों का पैसा उठा के पांच हजार लोगों को यू नो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंसान ये बोलेगा सर ये तो विक्टिमलेस क्राइम वाली बात हो गई ना यानी एटलीस्ट पांच हज़ार लोगों को तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, फ्री के अंदर

अच्छा हो सकता है कि उसने अन इंटेंशनली अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को इस काम के अंदर इन्वॉल्व किया हो क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट रखता था लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स वाले ही आपके करीबी जानने वाले ही इस फ्रॉड के अंदर मुलविस हो जाते हैं और कभी कभार जो कोर ट्रस्टी होता है जो कोर वो बंदा होता है जिसने ये नोबल काम स्टार्ट किया होता है उसको उसको क्योंकि शक नहीं जाता अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर तो उसकी नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे होते हैं जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे अच्छा जैसे मैंने बताया कभी तो ये काम अन, अन इंटेंशनल है क्या आपने कोई ऐसे फैमिली मेंबर या जानने वालों को डाला जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि वो कोई खुर्द बुर्द कर रहे होंगे लेकिन वो करने लग गए लेकिन कभी कभार ये काम इंटेंशनली भी होता है आपने किसी को ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट के अंदर अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को एज एन एम्प्लॉई शो किया डोनर के सामने ताकि डोनर ये समझे कि यार ये तो वो इंसान है ये तो वो फैमिली है जो कि अपनी पूरी लाइफ इस काम के लिए डेडिकेट कर रही है और वो उस फैमिली मेंबर्स को दिखा दिखा के डोनर से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें ख़ास पर इंटरनेशनल डोनर से पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें और अल्टीमेटली वो आपका फैमिली मेम्बर इदारे के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूट ही ना करता यानी टेक्निकली आपने गोस्ट एम्प्लॉयज पैदा कर दिए इधारे के अंदर गोस्ट एम्प्लॉयज है यानी वो एम्प्लॉय कोई काम शाम नहीं करता वो इदारे के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता लेकिन उन लोगों की सैलरी आपने बांधी हुई है डोनर को दिखाने के लिए कि देखो मेरी तो पूरी फैमिली मेंबर पूरी प्राइवेट जॉब छोड़ के अपने बिजनेस छोड़ के इस इदारे के अंदर काम करते हैं और वी नीड टू तो कॉम्पनसेट देम एट अ वेरी लो कॉस्ट अब वो दिखाने को तो वेरी लो कॉस्ट पे आप सामने वाले को कॉम्पनसेट कर रहे हैं लेकिन वो इदारे के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं यार यकीन करो मेरे जानने में इतने सारे ऐसे लोग हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं मेरे सिबलिंग्स हैं जो के रहते हैं यूएस के अंदर अब यूएस के अंदर ना आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि जिसके अंदर आप बोल सकें कि यार कोई अंडर प्रिविलेज होगा जिसके हम सपोर्ट कर सकें वहां पे वो सारा काम गवर्नमेंट खुद कर लेती है तो आपको रिलीजियसली भी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा होता कि यार इसकी हेल्प करेंगे तो अपने को सवाब भी मिलेगा है भाई तो कितना सारा लोग पैसा जापान से ऑस्ट्रेलिया से यूएस से यूके से पाकिस्तान भेजते हैं या ऐसी कंट्रीज के अंदर भेजते हैं जहां पे उनकी उम्मीद ही होती है कि यार अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट मैकेनिज्म मिल रहा होगा और उन लोगों को डॉलर्स के अंदर जब वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो उन लोगों को इतना भारी भी नहीं पड़ रहा होता लेकिन यहां पे बहुत सारा पैसा बन रहा होता है अब अगर आपने गोस्ट एम्प्लॉयज बना दिए और गोस्ट एम्प्लॉयज को बना बना के उनको सैलरी डिसबर्समेंट कर दी और डोनर को एज एन एक्सपेंस शो कर दिया तो डोनर तो आपसे सवाल भी नहीं करेगा क्योंकि डोनर ये बोलेगा यार पचास का बंदा तो फिर भी सस्ता है डॉलर में देखो तो लेकिन क्या ये फ्रॉड है या नहीं है क्या ये मिसरेप्रेजेंटेशन है या नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल है अच्छा और कैसे कैसे फ्रॉड्स पनप सकते हैं और फ्रॉड के कुछ वार्निंग साइंस भी हैं मिसाल के तौर पे मैंने अपनी ख़ुद जिंदगी के अंदर देखा बल्कि मैं किसी से मिला किसी हिसाब से तो उन्होंने मुझे पूरा ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई ये फ्रॉड चलना कब से स्टार्ट होता है मतलब इस इसका किक ऑफ कब से होता है तो उन्होंने मुझे बड़ी अपने एक्सपीरियंस से बात बताई उन्होंने ये बोला कि यासिर मियाँ जब आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाए ना कि एक कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रही है यानी वही वही एंटिटी है जो कि रोटी भी दे रही है वही एंटिटी है जो कि कह रही है हम कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों को कपड़ा भी दिया करेंगे वही एंटिटी है जो कि कहती है कि लोगों को हम यू uh, नो you know, छोटे घर भी कंस्ट्रक्ट करके दिया करेंगे वही एंटिटी है जो कि कह रही है कि हम यू uh, नो you know, साल के अंदर कुर्बानी भी किया करेंगे वही एंटिटी है जो कि कह रही है कि हम लोगों को अंडर प्रिविलेज लोगों को स्कूलिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया करेंगे वही एंटिटी है जो कि कह रही है कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों को राशन भी प्रोवाइड किया करेंगे वही एंटिटी है जो कि कह रही है कि हम लोगों को स्किल बेस्ड वर्क वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड किया करेंगे वही एंटिटी है जो कि कह रही है कि हम थर के इलाके के अंदर जाके वाटर यू नो वाटर प्लांट्स भी लगाया करेंगे जब एक एंटिटी की अम्ब्रेला के अंदर अनस्पेसिफाइड काम होना स्टार्ट हो जाए तो फिर समझ जाना कि ये किक ऑफ हो चुका है किसी बहुत बड़े प्लान का आप देखें अक्सर जितने अच्छे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉट नेमिंग एनीवन तो वो अक्सर किसी एक एक यू नो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं भाई मिसाल के तौर पे एक बहुत मशहूर बॉक्सर है उसने बोला कि भाई मैं, मैं बॉक्सिंग अकेडमी बनाऊंगा और ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर जाके बनाऊंगा जहाँ पे लोग बजाए इसके कि कि किसी ऐसी एक्स्ट्रा यू नो करिकुलर एक्टिविटी के अंदर इन्वाल्व हो जाएँ जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और जिसके अंदर वो कुछ कमा भी नहीं सकते जिंदगी में लेट्स यू नो हैम इन बॉक्सिंग तो अब ये एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है आपको ट्रांसपेरेंटली नजर आ रहा होगा कि यार एक ही स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम हो रहा है कोई ऐसा इदारा है जो कि मिसाल के तौर पे ये कह रहे है कि भाई हम स्कूलिंग के ऊपर काम करेंगे तो वो सिर्फ स्कूलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कोई ऐसा इधारा है जो कि कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ अंडर प्रिविलेज लोगों को खाना खिलाया करेंगे तो वो सिर्फ खाने के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अक्सर अक्सर मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग ऐसा काम करते हैं लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब एक इदारे के अंदर कोई अनस्पेसिफाइड अनलिमिटेड काम होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पे जो है ना एक फ्रॉड का दरवाजा खुल चुका है एक फ्रॉड का दरवाजा खुल चुका है फिर ये ऐसे इदारे लोग करते क्या हैं ये ऐसे इदारे बहुत सारे काम तो करते हुए दिखा रहे होते हैं लेकिन अक्सर ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ मुझे कोई बता रहा था कि यार वो इदारा है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दिन के अंदर तीन तीन हजार लोगों को खाना खिलाते हैं मैंने बोला यार ये तो बड़ा नोबल कॉज है तीन हज़ार लोगों का पेट पालना इससे बेहतर काम क्या हो सकता है वो कहते हैं सारा डोनर्स पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और वो तीन हजार लोगों को डेली बेसिस के ऊपर खाना खिला रहे हैं मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात कहने लगे भैया इसके अंदर फ्रॉड कहाँ से आ गया भाई फ्रॉड ये फ्रॉड एक डिसऑनेस्टी भी एक फ्रॉड है ना तो कहने लगे उस खाना बनाने के लिए जो केटरिंग वेंडर यूज होता है वो केटरिंग वेंडर इनके अपने मामू हैं जो ऑयल यूज होता है वो ऑयल आता है मलेशिया से और मलेशिया से जो ऑयल आता है वो खुद इनकी अपनी एंटिटी है जो कि मलेशिया के अंदर काम करती है वहीं से ऑयल इंपोर्ट करके वही ऑयल इस्तेमाल करते हैं उन तीन हजार लोगों के लिए खाना बनाने के अंदर मैंने बोला इसके अंदर भी कोई बुरी बात नहीं है कहने लगे जिस प्राइस के ऊपर वो ऑयल खरीदा जाता है या ऑयल डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता है वो प्राइस तो उनकी जेब में जाती है ना तो एक ये भी काम हो गया भाई फिर वो कह रहे हैं कि वही एक इदारा है जिन्होंने जिन्होंने एक एंटिटी ऐसी बनाई हुई है जो 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 कि यू नो बच्चों के जो स्कूलिंग के स्कूलिंग लिए यूनिफॉर्म इस्तेमाल होते हैं वो भी उनके अपने इधारे से आते हैं जो स्कूल कंस्ट्रक्ट होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी उनके जानने वाले की है तो आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करके वन वे और दी अदर स्किम ऑफ कर देना पैसे को कि अल्टीमेटली अपने ही घर में घूम घुमा के पैसा आ जाए ये काम होता है वे ये काम होता है बिल्कुल होता है यार मैंने मुझे तो कुछ नहीं बताया मैं तो ये मेरी तो बिल्कुल ये वाली बात सुन के तो बिल्कुल मेरा दिमाग हिल गया कहने लगे यार ये लोग फेक फंड रेजिंग इवेंट्स इवेंट्स कराते कराते हैं फेक कराते हैं फेक फंड रेजिंग मिसाल के तौर पे एक एनजीओ है अब वो एनजी जो है वो 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 यू नो वो, 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 वो कराची के अंदर है लाहौर के अंदर उसको कोई नहीं जानता यार वो एक पर्टिकुलर एनजी का नाम लेके जब लाहौर के अंदर जाके इस्लामाबाद के अंदर जाके पूरे इवेंट करते हैं जिसके अंदर यू you नो know, वो कराची वाले एक्टिविटी की पिक्चर्स भी दिखा देते हैं बल्कि मुझे किसी ने बोला कि अभी बड़ी रिसेंटली एक मेरा दोस्त हुंजा से होके आया तो वो कहने लगा कि भाई हुंजा के अंदर अक्सर लोग अब यू नो अपनी तस्वीरें आपके साथ नहीं खिंचवाना चाहते मैंने बोला लग भाई क्यों तो कहने लगे भाई वो होता ये है कि उनकी तस्वीरें वहाँ पर लोग लेते हैं यो ये वो जो गांव के अंदर बच्चे घूम रहे हैं जो पढ़ नहीं रहे जो इधर उधर के यू नो चाइल्ड लेबर चल रहा है उनकी तस्वीरें लोग खींचते हैं और फिर उनकी तस्वीरें खींच के कहीं और जाके फेक फंड रेजिंग इवेंट्स कराते हैं कि भाई हम मुंजा के अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और वो पैसा उन तक कभी पहुंचता ही नहीं है फेक फंड रेजिंग इवेंट्स कराते हैं भाई और ये मैं आपको बताऊं बड़ी हिट करती है आप बहुत सारे लोग शायद ऑडियंस के अंदर ऐसा बोले कि भाई ये हिट ये ये काम नहीं चल सकता ये काम चलता है मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ एक दिन जैसे अभी ये रमजान का टाइम आता है ना तो अक्सर लोग अपनी जक़त उस वक्त निकाल रहे होते हैं तो एक दिन मेरी अम्मी जो है वो भागी भागी दरवाजे से बाहर जाने लगी और मैंने पूछा भाई आप कहाँ जा रही हैं तो कहने लगे कि भाई मैं जो है वो ये जक़ात के कुछ पैसे हैं और मैं ये फलाना देखो गली के अंदर से लोग गुजर रहे हैं मैं उनको जक़त देना चाहती हूँ मैंने बोला भाई इनको क्यों कहने लगे तुम सुन नहीं रहे वो फलाना हमारे रिश्तेदारों के अंदर हमने देखा है कि वो जो है वो वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं और बेचारे उन, उन उनके बच्चा जब स्पेशल चाइल्ड है तो वो बहुत सारे यू नो स्पेशल चाइल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बहुत सारे यू नो मेडिकल सपोर्ट चाहिए होती है स्पेशल चिल्ड्रन को तो ये देखो ये ये जो एन गुज़रती हुई जा रही है ना हमारी गली से ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए जा रहे हैं कि ये स्पेशल चिल्ड्रन को यू you नो know, फिजियोथेरेपी देते हैं ये स्पेशल चिल्ड्रन को मेडिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं ये स्पेशल चिल्ड्रन का डे केयर चलाते हैं यार हमें इनको हमें इनके लिए जो है ना पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करने चाहिए क्योंकि हमने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर देखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जब किसी के घर के अंदर हो रहा होता है तो वो कितनी ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही होती हैं उस स्पेशल चाइल्ड को और यू you नो know, उस स्पेशल चाइल्ड

तो इससे पहले कि आप उनकी कोई स्क्रीनिंग करें कोई बैकग्राउंड करें कोई कोई विजिट करके आए इनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभार ऐसे फंड रेजिंग इवेंट्स के अंदर लोग अंधाधुन पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका यू you नो know, उनका जो पर्पस होता है वो पर्पस बड़ा अच्छा लग रहा होता है आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही तो यू नो दीज टाइप ऑफ फ्रॉड्स कैन हैपन बजट एलोकेशन किसी काम की हो जाती है और जब ऑडिटर्स जाते हैं वो बजट देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ यार इस पर्पज़ के लिए बजट एलोकेट हुआ है और इसी पर्पज़ के लिए वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए है वो सारी एलोकेशन एलोकेशन मैकेनिज़्म देख रहे होते हैं लेकिन वो जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर बजट स्पेंड होना होता है वो कभी होता ही नहीं बहुत बहुत बार ऐसा देखा गया फिर अक्सर ऐसा देखा गया है कि भाई कैसे कैसे फ्रॉड्स होते हैं कि भाई फेक ग्रांट एप्लीकेशन आती हैं हैं ग्रांट की आती उस इदारे के अंदर है पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है कि ये बच्चा है इसका ये है, ये है, ये है है इसके पेरेंट्स हैं इनका मकान नंबर या इनका घर नंबर है ये फलाना से बिलोंग करते हैं पूरी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हुई हुई है और उसके उ, उ, उनके लिए कोई लाख रुपए दो लाख रुपए तीन लाख रुपए बच्चियों की शादी के लिए पैसा डिसबर्स हुआ हुआ है लेकिन आप जब इन्वेस्टिगेट करते हैं जब आप फॉरेंसिक करते हैं तो आपको पता लगता है कि ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई फैमिली ही नहीं करती या अगर करती अगर है तो उनको कभी वो पैसा ना, तो कितने लोगों ने ऐसा बोला हैं लेकिन वहां कुछ नहीं पहुंच रहे, या वहां पहुंच रहे हैं तो उन ट्रक्स में से जो सामान है बेशक एट लो कॉस्ट लेकिन वो लो के सामने वालों को वो चीज़ सेल की जा रही अब आप बोलेंगे भाई सर लो कॉस्ट पे सेल हो रही है ना अरे भाई डोनर ने कंप्लीट फाइनेंस दिया हुआ है हम जैसे लोगों ने डोनेट किया था भाई तो कंप्लीट फाइनेंस दिया हुआ है डोनर्स ने लेकिन वहां जाके एट अ अमिनल कॉस्ट को बेचा जा रहा है तो क्या ये फ्रॉड नहीं है ये फ्रॉड है बिल्कुल मैंने कितने ऐसे इदारे देखे जिसके अंदर मैंने अक्सर एक, एक एक स्किल डेवलपमेंट का इारा था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एक एक टाइप का फ्रॉड है मेरा भी दिमाग खुला के वो फ्रॉड क्या है वहां पे चोरी हो जाती थी हर कुछ एक आध से बात चोरी होती थी, थी लैपटॉप्स को चुरा के ले जाता था अच्छा भाई लैपटॉप्स अगर आपके इदारे के अंदर चोरी हो रहे हैं तो पहली बात तो ये एक ऐसा आइटम है जो कि चोरी कभी भी हो सकता है तो इसके ऊपर प्रॉपर लॉक्स लगाने चाहिए थे फिर प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं है जब डोनर से तो मैं इस बात का पैसा ले सकते हो कि मेरे को इस इदारे के अंदर इस कंप्यूटर लैब के अंदर लैपटॉप्स लगाने हैं तो इस बात का पैसा क्यों नहीं ले सकते है? कि भाई इदारे के अंदर प्रॉपर दीवार होनी चाहिए वॉल फेंसिंग होनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए लैपटॉप्स लॉक होने चाहिए इस बात का क्यों जो है वो यू नो हिसाब किताब नहीं होता बस हो जाते हैं भाई पुराना जाएगा तो नया लैपटॉप आएगा ना और वो लैपटॉप जिस वेंडर के अंदर से वेंडर के पास से आ रहा होगा अगेन वो अनअकाउंटेड फॉर तो ये बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो कि हो रहे होते हैं हम अगली बार जिस भी ऐसे इदारे के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करें उस इदारे के अंदर वी नीड टू बी यू नो वेरी कॉशियस अच्छा फाइनेंस के लोग फाइनेंस के लोग इसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देखें पहली बात तो ये है कि फाइनेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना ज़रूरी है बहुत सारे बच्चे ऑडिट के ऊपर भी जाते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जब वो जाते हैं तो वो ऐसा ये जो होता है ना कि वो मतलब ऐसे पिलम पाली वाला काम ना करके आ जाए करें देखिए आपके ऊपर आपको बहुत सवाब भी मिलेगा अगर आप ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं और अपना काम सही से कर कर ये ख़ास तौर पे हमारे फाइनेंस के लोग जो हैं जो ऑडिट के लोग हैं उनको अपनी आइज़ हमेशा ओपन रखनी चाहिए मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के सीएफओ लगे हुए हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंस की टीम को लीड करते हैं बट दे आर डूइंग अ देर एक्सरसाइज यू शुड नॉट बी मेरेली बुक कीपिंग एक्सरसाइज आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ाएंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप दुनिया के अंदर एक बेहतर काम कर रहे होंगे इफ यू आर कीपिंग योर आईज ओपन नाउ वट आर द वार्निंग साइंस या वट आर द रेड फ्लैग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन मिसाल के तौर पर आपका एक यू नो ट्रस्ट का डिपार्टमेंट है या डोनेशंस का डिपार्टमेंट है वो जब भी फाइनेंस वालों को किसी डिसबर्समेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स ला के देता है कि भाई इस इन्वॉइस के अगेंस्ट पैसे इशू कर दो या इस काम के लिए हमें पैसा ग्रांट कर दो तो भाई उसके अंदर आप देखिए कि कहीं बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास नहीं आ रही ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आपने कलेक्ट करनी है जिसके अगेंस्ट आप पैसा इशू करवाएं ये फाइनेंस के लोगों को करो ये काम करो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पैसा इशू नहीं किया करो बिकॉज दैट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट उसकी लेजेट होने की कोई गारंटी नहीं है फिर मिसाल के तौर पे आपको एज फाइनेंस पीपल यू नीड टू बी यू नो यू नीड टू मेंटेन योर इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी यू कैन नॉट यू यू हैव टू बी यू नो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन ऑल योर बिजनेस रिलेशनशिप राइट यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट तो मिसाल के तौर पे आप ट्रस्टीज का लाइफ स्टाइल देख रहे हैं कि जब से जब से ट्रस्ट ओपन हुआ है उस वक्त से अब तक ट्रस्टीज का लाइफ स्टाइल बड़ा चेंज हो गया है मतलब ट्रस्टीज जो है वो पहले यू नो ऑल्टो के अंदर आया करते थे आज आप देख रहे हैं कि भाई वो प्राडो के अंदर भी आना शुरू हो गए उनके पास छः गाड़ियाँ आ चुकी हैं उनके छः घर बन चुके हैं तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि ट्रस्ट चलाने वाला जो कि खुद अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा लैविज बनाता चला जा रहा है तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि देर इज़ अ पोटेंशियल फॉर फ्रॉड डोंट यू थिंक यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट डिसबर्समेंट्स डोंट यू थिंक यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द डोनेशंस दैट आर कमिंग इन डोंट यू थिंक यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द यू नो यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन इसके बाद बिल्कुल क्लियर है फिर इसी तरह जब ऑडिटर्स ऑडिट audit करने जाते हैं ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का तो आपको देखनी चाहिए बहुत सारी अनोमलीस अन ऐसे कि अन यू नो अनस्पेसिफाइड ट्रेंड्स आपके सामने नज़र आ जाएं आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हुए कि आपको ऐसा खुद फील हो जाए कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता मिसाल के तौर पे आप जो है वो डोनर्स की लिस्ट चेक कर रहे हैं डोनर्स की लिस्ट चेक करते करते आपके सामने ऐसे कुछ अनकॉमन नाम आ जाते हैं जो आप यू you नो know, ऐसे बल्कि ऐसे कॉमन नाम आ जाते हैं कि आप बोलें कि यार मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है मिसाल के तौर पर डोनर्स की लिस्ट आप चेक करते चले जा रहे हैं आपको दो तीन बार फारुक सत्तार का नाम नज़र आ जाए या ऐसे कॉमन नाम्स नजर आ जाएं कि डोनर का नाम इमरान खान है भाई ये 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 ऐसे कॉमन नेम्स आ रहे हैं आपके सामने जो कि आपको पता है कि यार ऐसे छोटे इदारे के अंदर इमरान खान ने आके कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना अब ये क्या हो रहा है ये फेक डोनर्स बन रहे हैं शायद मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो आपके पास आप तो एक यू एक, नो you know, एक शायद बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है आपका काम है हिसाब किताब मैच करना लेकिन क्या भाई आपको अपनी आईज खोलनी पड़ेंगी इसके लिए कि ऐसे अनस्पेसिफाइड डोनर्स आ रहे हैं जिनका आप कह रहे हैं यार ये 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 नाम कैसे हो सकता है ये तो इतना कॉमन नाम नहीं है फारूक सत्तार छह आठ बार फारूक सत्तार आ गया है तो आपको आपको समझ में आएगा कि यार ये कोई चीज समझ में नहीं आ रही फिर कैश बेस हमेशा पैसे आ जाना या पैसों की ऐसी डिनोमिनेशन होना पैसों की ऐसी डिनोमिनेशन होना कि जिससे आपको थोड़ा सा रिस्क लाहक हो जाए मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा है कि रिपीटेडली एक एक, 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 एक लाख के चेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं सेम अकाउंट से एक एक लाख के चेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं हर तीन दिन के इंटरवल के बाद या हर दस दिन के इंटरवल के बाद यू हैव हैव टू टू बी बी कॉशियस यू कॉशियस या फिर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसी ऐसी चीज को खरीदने के बारे में परचेजिंग हो रही है जिस चीज की आपको परचेज प्राइस लॉजिकली समझ में नहीं आ रही छ लाख का लैपटॉप खरीद रहे हैं भाई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में छह लाख का लैपटॉप खरीदने की क्या जरूरत है

आपको ऐसा लग रहा है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का बंदा है वो गैर जरूरी तौर के ऊपर वर्क फ्रॉम होम करते चले जा रहा है भाई यू हैव टू कीप योर आई ओपन भाई ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है आपने दस टीचर्स हायर किए में दस टीचर्स के अंदर से नौ टीचर बोल रहे हैं हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे भाई वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है अब उनकी सैलरीज तो पूरी पूरी जा रही हैं भाई वो सैलरीज उनके नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अल्टीमेटली उनको जाती नहीं है वो अल्टीमेटली मनी लॉन्डर होकर कहीं और चला जाता है यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट तो आई मीन दी यू शुड ऑलवेज बी माइंडफुल कि यार जब भी आपके सामने कोई रेड फ्लैग आ रहा है ना उस उस रेड फ्लैग को आप हमेशा आइडेंटिफाई करें वो आपकी नजरों के सामने आता रहना चाहिए अब यू नो हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट हाउ कैन एनी इदारा कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फैक्ट कि यार किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत ना हो रहा हो पहली बात तो ये कि भाई देखो ये कंप्लीटली रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कि किसी भी एनजी ओ एन पी यू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुदबुद नहीं हो रही होगी ये इसको कंप्लीटली रूल आउट तो नहीं किया जा सकता लेकिन वॉट वी कैन डू आई मीन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव एक एजुकेटेड एक्शन ये लिया जा सकता है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल हो जो कि रिटर्न कंट्रोल्स हो सही है ना ताकि तो जब भी कोई मैनेजमेंट का एम्प्लॉई उसको उस कंट्रोल को ओवर करे तो वो कंट्रोल डिफिशियंज या एक्शंस की डिफिशियंसी प्रॉपरली रिपोर्ट होती हूँ किसी रिपोर्ट के अंदर जाके फिर इसी तरीके से आपका यू you नो know, आपको अगेन अनऑब्जर्वेबल ट्रेंड्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है मिसाल के तौर पे एक तरीका ये हो सकता है कि आप पब्लिक डिस्क्लोजर दें कि आपने इस पूरे साल के अंदर कितने डोनेशन लिए और एक तरीका ये हो सकता है कि आप पब्लिक डिस्क्लोजर दें कि आपने इस पूरे साल के अंदर मंथ ऑन मंथ कितने डोनेशन लिए अब इस एनालिटिकल प्रोसीजर से आपको बहुत सारी बातें क्लैरिफाई हो सकती हैं मिसाल के तौर पे रमजान के बाद बहुत बहुत बड़ा डोनेशन आना अब हमारे माशरे के अंदर रमजान के बाद बहुत बड़ा डोनेशन आना नजर नहीं आता रमजान से पहले या रमजान में ज्यादातर लोग अपनी जकत निकालते हैं उस वक्त का लेवल बढ़ जाता है है बाकी सारे साल कम चलता है। तो अनसीजनल डोनेशन आ जाना आपके आपको इस बात की आपके डोनर्स को इस बात की ट्रांसपेरेंसी देगा कि कहीं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का सिनेरियो तो नहीं बनावा ऐसी चीजें होनी चाहिए बैंक रिकन्सिलेशन परफॉर्म होनी चाहिए कि भाई बैंक रिकेन्सिलेशन परफॉर्म हो जिसके अंदर ये क्लैरिफाई हो रहा हो कि जितना बैंक बैलेंस आपको फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उतना ही उतना ही पैसा बैंक के अंदर पड़ा है उतना ही अनकलियर चेक आपको आइडेंटिफाई होते चले जा रहे हैं उतनी ही डिसबर्समेंट की क्लैरिटी आपके पास आती चली जा रही है बैंक रिकनसिलेशन परफॉर्म प्रॉपर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हो जहां पे आप सामने वाले को ये प्रॉपर डिस्कलोजर दे रहे हो अपने डोनर और यू नो पब्लिक स्टेक होल्डर्स को कि इस साल हमारी रिसीट्स इतनी हुई इतनी पेमेंट

कि आपने मिसाल के तौर पे चंद पैसे कंट्रीब्यूट कर दिए किसी इारे के अंदर जिस इदारे के अंदर पैसे कंट्रीब्यूट करते हो बीइंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स वहाँ पे वॉक थ्रू करो वॉक थ्रू क्या करो उनके प्रोसेसेस को देखो उनको आइडेंटिफाई करो कि पहला स्टेज ऑफ मनी कमिंग ये है फिर प्रोक्योरमेंट ये है फिर पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है विजिट्स करो और जाके असेस करो कि कितने पैसा आया और क्या जो पैसा खर्च हुआ क्या वो उसकी वैल्यू फॉर मनी आपको नज़र आती है नहीं आती है क्या इनपुट वर्सेस आउटपुट का रेशो आपको यू नो इफेक्टिवनेस के अंदर या एफिशिएंसी के अंदर नजर आता है या नहीं आता क्लियर फिर इसी तरह इदारों के अपने ट्रस्टीज के लिए एक मैसेज ये है कि यू शुड ऑलवेज हैव एन सम टाइम्स क्या होता है कि ट्रस्टीज जो है ना इमिजिएट एक्शन नहीं लेते उनको कोई एक चीज नजर आती है लेकिन वो उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं ये सोचते हुए कि यार ये इतनी सी चीज तो है ये वही वाली बात है कि कोई थेफ्ट तो नहीं हुआ इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ कि हमारा इदारा ही डूब जाए ऐसा ना करो आप छोटी छोटी लीकेजेस को जब तक पुर नहीं करेंगे तो कभी भी बहुत बड़े स्कैम से नहीं बच सकते ये छोटी 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 लीकेजेस होती हैं जो कि अल्टीमेटली बहुत बड़े स्कैम के अंदर रिजल्ट करती हैं आपके इदारे के अंदर होने वाली छोटी छोटी लीकेजेस के जरिए बहुत बड़ा होने वाला स्कैम इतने सारे लोगों का पैसा जाया कर सकते हैं इतने सारे लोगों को मरहूम रख सकते हैं जिनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती थी जिनको भी अच्छी वेलबींग well दी जा सकती थी वो वो सारे लोग बेचारे मरूम हो सकते हैं उस उस चीज़ से मरूम हो सकते हैं तो फाइनेंस के लोगों का लाना फाइनेंस के लोगों के अंदर से यू नो प्रॉपर ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई करना खास तौर पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का करना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हाँ इधारे के ओनर्स तुम लोग सेग्रीगेशन ऑफ़ ड्यूटीज़ किया करो जो प्रोक्योरमेंट करने वाला इंसान है उस प्रोक्योरमेंट के लिए जो पेमेंट करने वाला इंसान है वो सेपरेट होना चाहिए जो बजट को अप्रूव करने वाला इंसान है और जो बजट को खर्च करने वाला इंसान है वो मुख्तलिफ होना चाहिए हां फिर इसी तरह स्टाफ रोटेशन होनी चाहिए एक इंसान को एक टाइप की प्रोक्योरमेंट के पीछे ना लगा दो हां स्टाफ को रोटेट करो अपने प्रोक्योरमेंट स्टाफ को अपने डिलीवरी स्टाफ को अपने एग्जीक्यूशन के स्टाफ को यू नो बार बार रोटेट किया करो ताकि यू नो कोई अनोमली हो तो फ़ौरन पकड़ी जाए बात समझ में आ रही है फिर इसी तरह आपने बोर्ड के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बिठाओ मैंने जितने भी अच्छे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनइजेशन देखे हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों या वो बड़े बड़े इदारे हों या वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों उसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज़रूर बैठते हैं क्योंकि उनकी आई से उनको नजर आ जाता है कि यार ये वाली चीज़ समझ में नहीं आती ये वाली चीज़ समझ में आती है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके बोर्ड पर ना फिर इसी तरह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मैं बोला कर बोला करूँगा कि भाई आप स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स करवाया करें स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स, फॉरेंसिक ऑडिट्स करवाया करें। वो ऑडिटर जो कि फर्स्ट टाइम किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहा है उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि फॉरेंसिक ऑडिट कराओ वो फॉरेंसिक ऑडिटर चार और जगह पे और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट करके आया होगा तो उसको ये पता होगा कि यू नो बेस्ट कंट्रोल्स कहाँ इंप्लीमेंट हुआ कहां हुए हैं पुअरेस्ट कंट्रोल्स कहाँ इंप्लीमेंट हुए हुए जब वो तुम्हारी ऑर्गनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करने आएगा फॉरेंसिक ऑडिट करने आएगा तो वो अपना प्रीवियस हिस्टोरिक एक्सपीरियंस लेकर आएगा और तुम्हें बेहतर यू नो डिसीजन बेहतर आउटपुट बेहतर रिपोर्ट दे सकेगा कि यू नो वेयर आर द गैप्स वट कैन बी डन एंड इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग और राइट तो यू नो यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर्स भी आ जाते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर हम कभी एक सेपरेट अलग से बात भी करेंगे लेकिन यू नो फॉरेंसिक ऑडिट का करना बड़ा जरूरी है अब इस सारी गुफ्तु से ना अपने सामने कुछ बातें क्लियर होती हैं पहली बात क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं टूवर्ड्स तो एंड मनी लॉन्ड्रिंग यस उनकी कोर रीजन्स क्या है लैक ऑफ फाइनेंस का स्टाफ लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट लैक ऑफ ऑडिट लैक ऑफ एजुकेटेड पीपल होना और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का उस पर्टिकुलर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाना और पब्लिक का ट्रस्ट होना तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी भाई यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं किधर किधर आपकी नज़र हो अगर कभी अन अनऑब्जर्व्ड यानी बहुत सारे यू नो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक साथ काम हो रहा हो देन देर इज द रिस्क ऑफ फ्रॉड जब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ इन्वॉल्व हों उस उस एक्टिविटी के अंदर देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व अगर आपके जो है वो यू नो फेक ग्रांट एप्लीकेशन आ रही हो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व राइट और ट्रस्टीज के ऊपर लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस हो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेड फ्लैग्स वार्निंग साइंस को देखो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंटेशन को देखो अनऑब्जर्वेबल ट्रेंड्स को देखो ये हमने उसके बाद बात की थी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉट कैन बी डन यू नो प्रॉपर कंट्रोल्स फॉरेंसिक ऑडिट एंड यू नो पब्लिक डिस्क्लोजर पब्लिक डिस्क्लोजर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का बोर्ड पे होना यू नो दीज आर द सम थिंग्स दैट वी कैन डू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे आसपास जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो बिल्कुल यू नो पब्लिक ट्रस्ट को ठोस ना पहुँचाएँ और हम भी अपने एज अकाउंटेंट्स हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कम से कम कोई ऐसा काम करके जाएं जो कि अल्टीमेटली पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगी क्लियर सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अपना फीडबैक दीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आर नेक्स्ट एपिसोड बाय